नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। कल होने वाली जगन्नाथ यात्रा से पहले पुरी में कर्फ्यू, बिना श्रद्धालुओं के होगा आयोजन। महंगाई पर शिवराज के मंत्री का दार्शनिक अंदाज, बोले जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रिशा बांदला आज भरेंगी अंतरिक्ष के लिए उड़ान, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने दी जानकारी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी, आईएसआईएस से संबंध रखने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, 2500 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 4 गिरफ्तार। विश्व जनसंख्या दिवस आज, सीएम योगी ने जारी की जनसंख्या नीति 2021-23। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी, विपक्ष ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बुलंदशहर में लोगों की सुनवाई के लिए लगा लोग अदालत, लंबित चल रहे मुकदमों की सुनवाई शुरू। कुशीनगर में स्वास्थ्यकर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर, कुछ ही मिनट के अंदर महिला को दोबारा लगाई गई वैक्सीन। वाराणसी में 2.5 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, अंग्रेजी देशी शराब की 4000 पेटियां नष्ट। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के गांवों पर बंदूकधारियों का हमला, 35 लोगों को मौत के घाट उतारा। G20 के मंच पर पर्यावरण सुधार की चर्चा, कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों पर कर लगाने पर बनी सहमति। पाकिस्तान में मरियम नवाज ने पीएम इमरान खान को लताड़ा, कहा उनका चुनाव चिन्ह चोर होना चाहिए। तालिबान ने चीन को बताया मित्र, उइगर मुस्लिमों को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देने का दिया भरोसा। जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना 28 साल बाद ब्राजील को हरा कर बना चैंपियन। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, चोटिल हुआ स्टार खिलाड़ी ओली पोप। विंबलडन 2021 में एशले बार्टी ने रचा इतिहास, फाइनल में प्लिसकोवा को हराकर दूसरी बार जीता ग्रैंड स्लैम खिताब। भारतीय तेज गेंदबाज पंकज सिंह ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास, राजस्थान रणजी टीम के थे कप्तान। 150 रन की पारी खेलने के बाद महमूद ला का चौंकाने वाला ऐलान, टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। विक्की कौशल ने 9 साल पहले दिया था अपना फर्स्ट ऑडिशन, शेयर की खास तस्वीर। इरफान खान के बेटे ने सोशल मीडिया पर पूछा क्या उनका धर्म, बाबिल खान ने दिया दिलजीत लेने वाला जवाब। बॉयकॉट तूफान, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड, फरहान अख्तर की फिल्म पर लव जिहाद के प्रचार का लगा आरोप। देर रात लंदन की सड़कों पर दोस्तों के साथ घूमते शाहरुख खान की बेटी आई नजर, सुहाना की तस्वीर हुई वायरल।
प्रियंका चोपड़ा निक जोनस का हुआ तलाक, अपने इस अनुमान पर जमकर ट्रोल हुए केआरके। पांच पच्चीस में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।